बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वेज क्रिप्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये तैयार होते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। उससे पहले मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल के ऐड कर दिए और ये मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम। ये चिकन जाएगा हमारा इसमें। चिकन को हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। लहसुन और अदरक ऐड करके अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोफ मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये हमारे सारे स्पाइसीज होंगे जो इसमें जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी टमाटो केचप। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि यूनिक और ज़बरदस्त अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए जी, अब हम देखते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चिकन को जबरदस्त टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल से भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। 2 टेबल स्पून मैंने मटर लिए हैं, बॉयल किए हुए मटर, और 1 स्मॉल साइज का मैंने आलू लिया है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज की मैंने गाजर ली है, उसको ग्रेडेड की हुई गाजर है। ये सारी हमारी वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल ली हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च और गाजर तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, आलू और मटर हम ऑलरेडी बॉयल कर चुके हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे आपने कवर करना है इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है हमारी फिलिंग। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे। फिलिंग हमारी अब रेडी है, तो आइए अब इसके बैटर रेडी करने की तरफ चलते हैं। 1 कप हमने लिया है मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून आइसिंग शुगर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1 कप मैंने दूध लिया है। आहिस्ता आहिस्ता से इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। ये देखिए जी, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी ऐसे। तो आइए अब हम अपने क्रिप्स तैयार करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने पैन को थोड़ा सा ग्रीस करना ऑयल के साथ, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीस करना है आपने अच्छी तरह से साइड्स पे, ताकि हमारा क्रिप्स चिपके नहीं। अब हमने इस तरह से ये डालना है और इस तरह से डालने के बाद आपने चारों तरफ से इसको फैला देना है ताकि इसकी थिन सी लेयर बन जाए। ठीक है, ये देखिए, अब इसको आपने कुक होने देना, जब इसके बबल्स बन जाएंगे फिर हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। देखिए इसकी बबल्स बन गई है, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इस साइड से भी हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है इसको, दूसरी साइड से भी इसी तरह से कलर आ जाएगा तो हमारी क्रिप्स बिल्कुल रेडी हो। ये देखिए जी, दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। इसी तरह से आपने दोनों साइड से कुक कर लेना है, अभी हमारे क्रिप्स बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, क्रिप्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो इसकी फिलिंग रेडी की थी वो डालेंगे इसमें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ये देखिए जी, इसके ऊपर मैंने ये चेडर चीज़ डाल दी, आप चाहें तो मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैंने मैदे का लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको मिक्स कर लिया है। और इसको सील करने के लिए हमारे क्रिप्स को ये हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से कर दें आप इसको और इसको इस साइड से के ऊपर इस तरह से लगा लें। आप चीज़ की क्वांटिटी आप जितनी चाहिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सील कर देना है, के बाद इसके ऊपर लगाइए और इधर से इस तरह से लगाइए ऐसे। ठीक है, और इधर से ऐसे बंद कर दीजिए और इधर से ऐसे, ताकि ये खुले नहीं। ज़बरदस्त से हमारे क्रिप्स अब रेडी हैं, इसी तरह से हम बाकी के भी सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने सारे क्रिप्स की फिलिंग रेडी होने के बाद अब इसको खूबसूरत सा ऊपर कलर देने के लिए पैन ले लेंगे और इसको बटर से अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना। बटर से आप ग्रीस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, आप
आप ऑयल से भी कर सकते हैं। वन बाय वन आप जो हमारे क्रिप्स तैयार किए थे इसमें रखते जाएंगे, तब तक हम इसको कुक कर लेंगे जब तक दोनों साइड्स पे गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेल्टेड बटर ग्रीस कर देंगे ताकि इस साइड पे भी खूबसूरत सा कलर आ जाए और इसको टर्न कर। अब ये देखिए जी, अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे ताकि इस साइड से भी ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। इसका देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। इस साइड से भी इसी तरह से हमने कुक कर लेना ताकि दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें दोनों साइड से ज़बरदस्त से हमारे कुक हो चुकी हैं। ये देखिए जी, अब हम इसकी कटिंग करके देखते हैं। बहुत ही डिलीशियस से तैयार होते हैं, चीज़ी चीज़ी वेज और चिकन के साथ ज़बरदस्त से। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त है हमारे चिकन वेज क्रिप्स तैयार हैं। आप इसको ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरह की यूनिक ज़बरदस्त रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।